मेरे अब्बा तो बहुत उर्दू लिखते पढ़ते थे। मैंने बड़ी कोशिश की है थोड़े चंद लफ्ज सीखने की। यहाँ 47 साल से हूँ अमेरिका में, से तो अब हर बार अंग्रेजी मुंह पे आ जाती है। पर आप मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए माफी पहले ही मांग लेती हूँ। थोड़े से कुछ चंद लफ्ज बोलूंगी, फिर उसके बाद दुआ पढ़ूंगी। मोअज़्ज़िज़ हाजरीन महफिल, आप सबको आज मैं दो दुआएं पढ़कर सुनाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि दोनों दुआएं आप सबको पसंद आएंगी। पहली दुआ डॉक्टर अलामा इकबाल साहब की लिखी हुई है और आप सबसे इल्तजार करती हूँ कि कोरस के साथ मेरे साथ शामिल हों उसमें। और उस कोरस जिस वक्त आए तो आप साथ में गाइएगा मैं और दुआ करिएगा। और दूसरी दुआ के लिए मैं अपने अजीज दोस्त कलीग और मेंटोर डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद को बुलाऊंगी, मधु करूंगी कि वो वहाँ मेरे साथ खड़े होके उस दुआ को पढ़ेंगे। और आप सबसे इश्तेदार करती हूँ कि उनका इस्तकबाल जब वो आए यहाँ स्टेज पे तो उनका तालियों से वेलकम कीजिएगा। सब इस दुआ को जानते हैं, अलामा इकबाल की दुआ लब पे आती है, दुआ बनके तमन्ना मेरी। इस दुआ की एक बड़ी खास चीज है ये, इससे आपको सारा दुआ का फलसफा समझ में आता है। और ये है तो बच्चों के लिए, लेकिन इसमें बड़ी गहरी बात है जो डॉक्टर साहब ने कही है। और कि जब आप आपके दिल की जो तमन्ना है जब आपकी जुबान पे आती है उस वक्त उसकी कबूलियत का वक्त शुरू हो जाता है। तो आप इजहार करते हो बुलंद आवाज से जो भी आपके दिल की तमन्ना है। तो मैं चाहूंगा कि जब गाएं उसका पहला बंद, साथ वाला दूसरा बंद आप भी साथ शामिल हों, ताकि हमारी परवरदिगार से दुआ है कि ये दुआ जो हमारी उर्दू बैठक है जिसकी अभी ये चौथी बैठक चल रही है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि हर माह इसी तरह से हम करते रहेंगे, ये बड़ी पाकीजा सी हमारी महफिल है, इसी तरह से चलती रहेगी। तो अगर खवातीन और हजरात बुलंद आवाज से साथ साथ गाएं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी? और जिस वक्त कोरस आए सुर में रहते हुए सुर में रहिएगा। ये पाबंदी जरूरी है, बहुत जरूरी है, खास करके मेरे साथ तो जी। लपे आती
ये दूसरा ये जो गीत है हिंदुस्तान के जो स्कूल के बच्चे हैं उनका गीत, और इसमें बड़ी खूबसूरत बात है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी जय कहते हैं कॉन्कर करना, मन कहते हैं माइंड को। ये जुबान का थोड़ा फर्क है, हमारे यहां मन किसी और मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अलामा इकबाल भी मन की दुनिया जब कहते थे मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। ये जो माइंड की पावर है, माइंड की शक्ति है, नॉलेज जो आप गेन करते हो वो कहीं जाता नहीं है। तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। तो इसमें जो चीज कही गई, हमको मन की शक्ति देना, ये बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन राग केदारा हिंदुस्तान में भगवान शिव जी का नाम भी है, और वो इससे यानी बड़ी ताजीम के साथ इसके इस गीत को गाया जाता है हिंदुस्तान के स्कूलों में, और हम चाहते थे कि ये भी दुआ आज हम साथ पढ़ें। तो इजाजत है जी? जी जरूर जी, बिल्कुल बिल्कुल। Oh,
my message is, it's non-denominational, and thank you so very much. Wow.